नमस्कार, मेरा नाम विनोद कुमार बौद्ध है और मैं भगवान आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन से फिजिकल एजुकेशन का असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और मैं आज आपको किनेसियोलॉजी की कुछ टर्मिनोलॉजी, जॉइंट्स एंड देयर मूवमेंट्स, जॉइंट से संबंधित उनके मूवमेंट्स और उनमें मूवमेंट्स में सबसे पहले आती है टर्मिनोलॉजी, जो किनेसियोलॉजी की भाषा में मूवमेंट को किस किस नाम से या किन पार्ट और किन नामों से पुकारा जाता है आज उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो मैं बता रहा हूँ किनेसियोलॉजी की मेन पार्ट जो किनेसियोलॉजी के होते हैं वो मूवमेंट होते हैं, उन मूवमेंटों के बारे में बता रहा हूँ। जॉइंट्स एंड देयर मूवमेंट्स, जॉइंट्स और उनके मूवमेंट, उनमें सबसे पहले आते हैं प्लेन एंड एक्सिस और उसमें सबसे पहले आती है उनके कॉल करने की, उनको बोलने की टर्मोलॉजी, जिस टर्मोलॉजी का हम इस्तेमाल करते हैं बोलने के लिए, अंडरस्टैंडिंग प्लेन्स एक्सिस और मूवमेंट्स एंड दिस टर्मोलॉजी। टर्मोलॉजी क्या है? व्हेन डिस्क्राइब द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द बॉडी पार्ट्स और रिलेशनशिप बिटवीन दोज पार्ट्स इट इज एडवाइजेबल टू यूज द सेम स्टैंडर्ड टर्मोलॉजी। किनेसियोलॉजी में जिन पार्टों को जिन नामों से पुकारते हैं उन चीजों को कैसे पुकारते हैं और किन चीजों को क्या किस नाम से पुकारते हैं उसको हम बोलते हैं किनेसियोलॉजी की टर्मोलॉजी। अगर मैं बात करूं कि मैं हम लोग अगर कॉमन सी भाषा में आगे के हिस्से को बोलते हैं भाई फ्रंटल पार्ट या आगे का पार्ट, तो ये नहीं है। किनेसियोलॉजी की टर्मोलॉजी क्या है वो मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे एंटीरियर, एंटीरियर मीन्स टुवर्ड्स और ऑन द फ्रंट ऑफ द बॉडी, टुवर्ड्स और ऑन द फ्रंट ऑफ द बॉडी, बॉडी के सामने वाला पार्ट। इन फ्रंट ऑफ द पेक्टोरियस आर द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी, पेक्टोरियस मसल्स के से संबंधित जो बॉडी होती है, जो एंटीरियर जो फ्रंट में दिखाई देती है उसको हम बोलते हैं एंटीरियर पार्ट। नेक्स्ट है पोस्टीरियर, टुवर्ड्स ऑन द बैक ऑफ द बॉडी, टुवर्ड्स ऑन द बैक ऑफ द बॉडी, बिहाइंड द रिमोइड्स एंड ऑल द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी, पीछे के रिमोइड्स, पीछे के बॉडी पार्ट को हम बोलते हैं पोस्टीरियर। नेक्स्ट है सुपीरियर, टुवर्ड्स ऑफ द हेड और अपर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर अबव द ह्यूमरस एज सुपीरियर टू द रेडियस, टुवर्ड द हेड अपर ऑफ द स्ट्रक्चर, हमारे स्ट्रक्चर का अपर पार्ट ह्यूमरस, दिस बोन इज कॉल्ड ह्यूमरस बोन, ह्यूमरस बोन यानी कि ये अपर पार्ट, अपर पार्ट की बॉडी को हम बोलते हैं सुपीरियर बॉडी, सुपीरियर पार्ट्स। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है इंफीरियर, इंफीरियर टुवर्ड्स ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, बिलो द टिबिया इज एन इंफीरियर ऑफ द फीमर, फीमर बोन, दिस कॉल्ड इज फीमर बोन, फीमर बोन से नीचे के पार्ट को हम बोलते हैं इंफीरियर पार्ट। नेक्स्ट है मीडियल, टुवर्ड्स और एट द मिडिल ऑफ द बॉडी, मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी, इनर साइड द एडक्टर एंड द मीडियल टू द एडक्टर, एडक्टर मसल्स एंड एडक्टर मसल, अंडर के पार्ट का मीडियल पार्ट इसको बोलते हैं मीडियल। नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट को बोलते हैं लेटरल, अवे फ्रॉम द मिडिल ऑफ द बॉडी, मिडिल पार्ट से बिल्कुल बाहर का पार्ट, आउटर साइड द एडक्टर और द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द लेग, इन पैर है, पैर का अगर मिडिल पार्ट समझ लीजिए उससे बाहर का पार्ट को हम बोलते हैं तो दैट्स कॉल्ड ए लेटरल पार्ट ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट है प्रॉक्सिमल, क्लोजर द ऑर्गन और पॉइंट ऑफ रेफरेंस, एल्बो इज प्रॉक्सिमल टू द रिस्ट, एल्बो और रिस्ट ये स्पाइन को हम बोलते हैं तो प्रॉक्सिमल एक पॉइंट पर घूमने के पार्ट को बोलते हैं हम प्रॉक्सिमल। अगर फिर इन पार्ट के इन मूवमेंट्स को जो भी मैंने बताया है, जो डिस्क्राइब किया है कि उनको किस किस टर्मोलॉजी से बोलते हैं, अब उस टर्मोलॉजी को हम यूज कहाँ करते हैं, यूज हम करते हैं प्लेन एंड एक्सिस। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्लेन क्या है। प्लेन, ह्यूमन मूवमेंट्स आर डिस्क्राइब्ड द थ्री डायमेंशन बेस्ड ऑन द सीरीज ऑफ प्लान्स एंड एक्सिस, देर आर थ्री प्लान्स ऑफ मोशन दैट पास थ्रू द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का, इंसान की बॉडी का जो पार्ट जिस पार्ट से डिस्क्राइब होता है, जिस पॉइंट से डिस्क्राइब होता है, जहाँ से उसकी मूवमेंट करने होती है, मूवमेंट होती है, उस पार्ट को हम बोलते हैं प्लेन, जहाँ से मूवमेंट होती है उनको बोलते हैं प्लेन। तीन पार्ट होते हैं, तीन प्रकार के प्लेन होते हैं, नंबर वन द सजिटल प्लेन, नंबर टू द फ्रंटल प्लेन एंड नंबर थ्री द ट्रांसवर्स एंड होरिजॉन्टल प्लेन। नेक्स्ट है द सजिटल प्लेन, द सजिटल प्लेन लाइज वर्टिकल एंड डिवाइड्स द बॉडी इनटू द राइट एंड लेफ्ट पार्ट। सजिटल प्लेन क्या होता है, हमारी बॉडी का राइट पार्ट
और लेफ्ट पार्ट जब दो भागों में हम मिडल से इसको बांट देते हैं तो जहां से जो पॉइंट पे बढ़ता है जिस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं कौन सा प्लान बोलते हैं, इसे बोलते हैं सैजिटल प्लेन। नेक्स्ट है हमारा द फ्रंटल प्लेन। द फ्रंटल प्लेन ऑल्सो लाइज वर्टिकली एंड डिवाइड्स द बॉडी इनटू द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट। जब हम बॉडी को इस तरह से इस स्ट्रक्चर से काटते हैं तो जब हमारा आगे का पार्ट और पीछे का पार्ट जब अलग अलग डिवाइड हो जाता है इसको हम बोलते हैं द फ्रंटल प्लेन। नेक्स्ट प्लेन है हमारा उस प्लेन को हम बोलते हैं द ट्रांसवर्स प्लेन, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। द ट्रांसवर्स प्लेन लाइज हॉरिजॉन्टली एंड डिवाइड द बॉडी इनटू द सुपीरियर एंड इंफीरियर पार्ट। मैंने पहले टर्मोलॉजी बताई थी उसमें सुपीरियर इंफीरियर का जिक्र किया था। सुपीरियर पार्ट इसके बोलते हैं अपर पार्ट और इंफीरियर मतलब लोअर पार्ट। तो यानी कि जब हम किसी पॉइंट पर जब बीच से मिडिल पार्ट से अपर पार्ट और लोअर पार्ट को अलग अलग डिवाइड कर देते हैं तो वहां पर हमारा ट्रांसवर्स प्लेन या हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है। ये हमारी टर्मोलॉजी थी और ये थ्री टाइप ऑफ प्लेन है। कल मैं आपको इन्हीं के बारे में कल एक्सिस के बारे में बताता हूँ कि एक्सिस क्या है और एक्सिस कैसे काम करता है। आज मैंने आपको प्लेन के बारे में बताया। इतनी सत्यवाद इतना ही सर। नमस्कार धन्यवाद।